हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्मन टोल प्लाजा के पास दूध से भरे टैंकर के कैबिन में लगी आग, चालक ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। पालड़ी एम थाना क्षेत्र के उत्मन टोल प्लाजा पर पालनपुर गुजरात से 30 टन गाड़ी नंबर GJ02ZZ1201 दूध का टैंकर पालनपुर से लेकर कानपुर के लिए रवाना हुए। टैंकर के कैबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही चालक ने किसी तरह कूदकर अपने आप को बचाया, जबकि टोल प्लाजा कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग बेकाबू होकर बुरी तरह से भड़क गई। मौके पर पहुंची पालड़ी एम थाना अधिकारी पद्मा शर्मा, ASI शिवपाल सिंह, हेड कांस्टेबल डूंगर सिंह, कांस्टेबल चंपा लाल, कांस्टेबल चैन सिंह ने सिरोही और शिवगंज से अग्निशमन वाहन को मौके पर पहुंचाकर किसी तरह आग पर काबू पाया। पालड़ी एम थाना अधिकारी पद्मा शर्मा ने बताया कि पालनपुर से रात 12:30 बजे दूध का टैंकर लेकर रवाना हुआ था। टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले सिरोही इन होटल पर रोका था। चाय पीकर उत्मन टोल प्लाजा के पास पहुंचता, उसके पहले ही यूज के केबिन में अचानक से आग लग गई। चालक ने किसी तरह से उसका बैग तथा अन्य कागजात लेकर जैसे तैसे वह कूदकर केबिन से बाहर निकला। उसी दौरान तेज धमाके के साथ पूरा केबिन आग की लपेटों में घिर गया। इसी दौरान टोल प्लाजा पर मौजूद सभी कर्मचारी आग बुझाने के संसाधन लेकर मौके पर पहुंचते तथा आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वाहन के कैबिन तथा उसके टायरों में आग लग गई। सिरोही तथा शिवगंज से पहुंचे अग्निशमन वाहन में वाहन का कैबिन तथा टायरों में लगी आग को बुझाया। शिफ्ट इंचार्ज हेमंत शर्मा, लाइन असिस्टेंट नैना राम, कैलाश माली, राजा राम, सुरक्षा प्रहरी वनराज सिंह, नरपत सिंह, TC कल्पेश कुमार एवं RPO टीम ने आग पर काबू करने की कोशिश की। जागरूक TV के पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।